जिला ऊना के रायपुर सहोड़ा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें तालाब में नहाने गए उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बच्चों को तालाब से बाहर निकाला और इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जिनमें से 2 बच्चों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने बताया कि सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी महतपुर मनोज कौंडल टीम सहित मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद लगभग 3 बजे पुलिस स्टेशन महतपुर में सूचना मिली कि रायपुर सोहड़ा के पास एक तालाब में 3 प्रवासी बच्चे जो हैं वो एक तालाब में नहा रहे थे और उस दौरान वो वहाँ पर डूब गए हैं। इस सूचना पर स्थानीय SHO मनोज और अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे और वहाँ से स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को वहाँ से निकाला गया और तुरंत जो है उनको स्थानीय हॉस्पिटल ऊना में लाया गया। इस दौरान यहाँ पर उपचार के दौरान जो है वो 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है और इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई जो है वो कानून के प्रावधानों के अनुसार अमल में लाई जा रही है। ये बच्चे जो थे वो एक बच्चा 8 साल का था और 2 बच्चे 11 साल के थे और ये जो बच्चे थे प्रवासी बच्चे थे और ये UP के संभल नामक स्थान के रहने वाले थे। वहीं मृतक बच्चों की पहचान पंकज पुत्र प्रसादी, मुकेश पुत्र ब्रमेश और सोनू पुत्र सुरेश निवासी संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मृतकों में 2 की आयु 11 वर्ष और 1 8 वर्षीय बच्चा था। जानकारी के मुताबिक रविवार को रायपुर सहोड़ा में प्रवासी मजदूरों के बच्चे एक भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद तालाब के पास पहुंच गए। 4 में से 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतर गए, इसी दौरान 3 बच्चे डूबने लगे। पानी में डूबता देख बाहर खड़े साथी बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ दूरी पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तालाब में उतर कर 3 को बाहर निकाला। पंजाब केसरी TV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।